अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, बड़ी खुशखबरी है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, कब से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। अब आपका इंतजार खत्म है, अब आपकी तैयारी डबल होनी चाहिए। देखिए ये रेलवे का जो एग्जाम है 2024-25 वाला, उसका शेड्यूल है, ठीक है। इसमें एसआई का भी है, टेक्नीशियन का भी है, और जेई वगैरह, और कांस्टेबल आरपीएफ का भी है एग्जाम डेट। तो अभी मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये जो शेड्यूल है ये लगभग 15-20 दिन पहले आ चुका था, और अभी कुछ दिन पहले रेलवे ने 2024 वाला, ठीक है, जो 2024 में एग्जाम होंगे रेलवे की तरफ से, उनका शेड्यूल निकाला है ऑफिशियल। पहले वो मैं दिखा दे, देखिए रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था 2024 वाला, जो पहले दिखाया वो 2024-25 वाला है। इसमें सिर्फ 24 में, जो 24 में एग्जाम होंगे, 2024 के जो अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें कांस्टेबल का नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल का 2025 के जनवरी महीने में होने वाला है। कब से होने वाला है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो 2024 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल शेड्यूल पे जो एग्जाम डेट बताई गई है, बाकी जैसे कि एसआई की, जो सेम जो पहले मैंने शेड्यूल दिखाया है उस पर है, सेम डेट है, बिल्कुल सही है। उसी शेड्यूल के हिसाब से, इसी शेड्यूल के हिसाब से आपके एग्जाम हो रहे हैं 2024 वाले, ठीक है। तो इसको फर्जी या इसको हल्के में मत लेना। जो फर्जी या हल्के में लेगा अपने नुकसान खुद उठाएगा। आपको जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो इसी डेट पर दिखेगा जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। देखिए कांस्टेबल की कुछ डेट्स हैं, ठीक है, कुछ डेट्स हैं एग्जाम की, वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए दोस्तों आप इसे लगभग, मैं आपको बता दूं, 99% रियल इसी डेट पर आपका एग्जाम होगा। जिसको भाई फेक मानना है वो फेक माने, और जिसको नौकरी चाहिए वो तैयारी कर दे इसी डेट को मानकर, ठीक है। अभी मैं आपको डेट बताता हूं, पहले एक जानकारी दे देता हूं, ठीक है। देखिए अब तो आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल मैंने डेट भी बता रहा हूं आपको एग्जाम की, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी को बूस्ट करना है, अगर आपकी तैयारी है या तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, तो हमारे 10 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और 2500 महत्वपूर्ण सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, पीडीएफ होंगे। जो क्वेश्चन नहीं है, जो सिलेक्शन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो वाले क्वेश्चन है, जो चुने चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। अगर आपको जो क्वेश्चन चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, सिलेक्शन पक्की है, जब व्हाट्सएप ले लीजिए। नहीं तो एक और आपको क्वेश्चन लेने का आसान तरीका बताता हूं। इस वीडियो के कमेंट में जाइए, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एक लिंक पिन किया हुआ है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सीधा हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा, नंबर सेव करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप उधर मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ये महत्वपूर्ण सवाल मैं दे दूंगा मात्र 59 रुपीज में। अभी एग्जाम डेट बताता हूँ, कांस्टेबल की जो एग्जाम है वो 2025 की एग्जाम है, तो 2025 वाला जो शेड्यूल आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगी 8 जनवरी 2025 को आपकी एग्जाम होगी, फिर 10 जनवरी को होगी, फिर 15 जनवरी को होगी, फिर 17 जनवरी 2025 को होगी, फिर 27 जनवरी को होगी, फिर सीधा जाकर 3 मार्च को एग्जाम होगी, फिर जाकर 7 मार्च को एग्जाम होगी। ये आपकी एग्जाम डेट बताई गई है, इन दिनों में एग्जाम होगी आपकी रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल की। ये सही एग्जाम है, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और जानकारी के लिए फॉलो कर लेना। अगर आपको जो फर्जी या फेक लगता है शेड्यूल की, आप फेक व्यूज के लिए लेके आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं जिनको फेक लगता है वो फेक माने, तैयारी ना करें, और जो चाहता है कि नौकरी लगे तो इस डेट को हल्के में मत लेना, क्योंकि बाकी जितने भी एग्जाम है रेलवे के वो जो इसमें बताए गए हैं वो सेम वही शेड्यूल पे है, ठीक है। तो हल्के में मत लेना। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।